मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। रविवार को दतिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सागर जिले के सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। अवधेश नायक और राजकुमार सिंह धनोरा को पीसीसी में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। लंबे समय से इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी। इस अवसर पर राजकुमार धनोरा ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें प्रताड़ित किया है। जब से बीजेपी में सिंधिया के गुट के लोग आए हैं तब से लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं अवधेश नायक ने कहा कि अब यही हाल सभी विधानसभाओं का हो गया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार 150 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज इस सदस्यता कार्यक्रम में हमारे साथ लगभग 5000 लोग उपस्थित हुए हैं, वो लगभग 2 दर्जन विधानसभाओं से, जिसमें कम से कम 2000 लोग सुर्खी विधानसभा के यहाँ आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन उसमें कई सरपंच, जनपद सदस्य, भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व, वर्तमान, लेकिन अभी हमारे सुर्खी क्षेत्र की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ हमें उनका नाम सार्वजनिक करना अभी हमारे लिए हितकारी नहीं था, इसलिए उनका नाम अभी हमने सबका सार्वजनिक नहीं किया है लगभग। लेकिन 2000 लोगों ने आज यहाँ कांग्रेस की सदस्यता की है और आने वाले समय में आचार संहिता के बाद माननीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के समक्ष सुर्खी विधानसभा में आचार संहिता के बाद कम से कम 5000 लोग भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और सुर्खी से भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस की नीतियों से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और हमारे दतिया के महाराज सोड़ा के विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी की विशेष अनुरोध पर, प्रेरणा पर मैंने कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज उसकी सदस्यता ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बिल्कुल लड़ेंगे और नहीं हुआ तो कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसका जी जान से काम करेंगे। भाजपा छोड़ने की बजाय मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों से मुंह मोड़ लिया है और उसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे तानाशाह हावी हो गए हैं, जो केवल धनबल और बाहुबल का प्रयोग करना जानते हैं, जिनके पास कभी कुछ नहीं था वो आज दतिया में हजारों करोड़ रुपयों के मालिक हो गए, जिन्होंने दतिया की तमाम सारी ज़मीनों को हड़पने का काम किया है, दतिया के तमाम सारे नौजवानों के हकों पर डाका डालने का काम किया है, जो केवल परिवारवाद को पोषण करने का काम करते हैं। ऐसे तानाशाह नरोत्तम मिश्रा के विरोध में मैं 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहकर लड़ रहा था, लेकिन जब कुंवर घनश्याम सिंह जी ने मुझे कहा कि आप आइए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आताताई का, इस तानाशाह का साथ दीजिए, तो इसलिए मैंने घनश्याम सिंह जी की, कुंवर साहब की प्रेरणा से और कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व को स्वीकारा है और नरोत्तम मिश्रा के तानाशाही रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।